आज शुक्रवार का दिन है और इस छोटे से शहर की ये लड़कियां खेल रही हैं हॉकी। खुश हैं लड़कियां, फिलहाल खेल रही हैं हॉकी। कोई डर नहीं, बॉल के साथ दौड़ती हुई, हाथों में साधे स्टिक वे हरी घास पर तैरती हैं। चूल्हे की आंच से, मूसल की धमक से दौड़ती हुई बहुत दूर आ जाती हैं। वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें देखने आए हुए वर पक्ष के लोग। वहाँ अम्मा बैठी राह ताकती हैं कि बेटियाँ आएं तो संतोषी माता की कथा सुनाएं और वे अपना व्रत तोड़ें। वहाँ बाबूजी प्रतीक्षा कर रहे हैं दफ्तर से लौट कर पकौड़ी और चाय की। वहाँ भाई घूम घूम कर लौट आ रहा है चौराहे से, जहाँ खड़े हैं मोहल्ले के सौदे। रोज़ की तरह और इधर लड़कियाँ हैं कि हॉकी खेल रही हैं। लड़कियाँ पेनाल्टी कॉर्नर मार रही हैं, लड़कियाँ पास दे रही हैं, लड़कियाँ गोल गोल चिल्लाती हुई बीच मैदान की ओर भाग रही हैं। लड़कियाँ एक दूसरे पर ढह रही हैं, एक दूसरे को चूम रही हैं और हंस रही हैं। लड़कियां फाउल खेल रही हैं, लड़कियों को चेतावनी दे जा रही है कि वे हंस रही हैं, यह ज़िंदगी नहीं है। इस बात से निश्चिंत हैं लड़कियां, हंस रही हैं रेफरी की चेतावनी पर। लड़कियां बारिश के बाद की नम घास पर फिसल रही हैं और गिर रही हैं, उठ रही हैं, वे लहरा रही हैं, चमक रही हैं और मैदान के अलग अलग कोनों में रह रह कर उमड़ घुमड़ रही हैं। वे चीख रही हैं, सीटी मार रही हैं और बिना रुके भाग रही हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक। उनकी पुष्ट टांगें चमक रही हैं नृत्य की लयबद्ध गति के साथ, और लड़कियां हैं कि निर्द्वंद निश्चित हैं, बिना यह सोचे कि मुंह दिखाए कि रस्म करते समय सास क्या सोचेंगी। इसी तरह खेलती रहती हैं लड़कियां, निसंकोच निर्भीक दौड़ती भागती और हंसती रहती हैं इसी तरह, और हम देखते रहते हैं उन्हें। पर शाम है कि होगी, रेफरी है कि बाज नहीं आएगा, सीटी बजाने से और स्टिक लटकाए हाथों में एक भीषण जंग से निपटने की तैयारी करती लड़कियां लौटेंगी घर। अगर ऐसा ना हो तो समय रुक जाएगा, इंद्र मारुत वरुण सब कुपित हो जाएंगे, वज्रपात हो जाएगा, चक्रवात आ जाएगा, घर पर बैठे देखने आए वरपक्ष के लोग पैर पटकते चले जाएंगे। बाबूजी घुस आएंगे गरजते हुए मैदान में, भाई दौड़ता हुआ आएगा और झोंटा पकड़कर घसीट ले जाएगा। अम्मा कोसेंगी किस घड़ी में पैदा किया था ऐसी कुलक्षणी बेटी। बाबूजी चीखेंगे सब तुम्हारा बिगाड़ा हुआ है। घर फिर एक अंधेरे में डूब जाएगा, सब सो जाएंगे, लड़कियां घूरेंगी अंधेरे में, खटिया पर चित्त लेटी हुई अम्मा की लंबी सांसें सुनती हुई इंतज़ार करती हुई कि अभी वे आकर उनका सिर सहलाएंगी। सो जाएंगी लड़कियां और सपने में दौड़ती हुई बॉल के पीछे स्टिक को साधे हुए हाथों में पृथ्वी के छोर पर पहुंच जाएंगी और गोल गोल चिल्लाती हुई एक दूसरे को चूमती हुई लिपट कर धरती पर गिर जाएंगी। कात्यायनी।